पहला दूसरा इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम फाइल मेनू बार के बारे में जानेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि छोटी मोटी चीजें हैं आपको पहले से चीजें पता होगी, उसके अलावा आप ऑप्शन पे चीजें हैं, कुछ नई चीजें आप कर सकते हैं। नई चीजें में जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे संडे लिखा या मंडे लिखा, वीक को भी डे लिखा, नीचे ड्रैग करेंगे तो कंटिन्यूस आपको संडे मंडे ट्यूजडे आ जाता है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे जैन लिखा और नीचे की तरफ ड्रैग किया तो यहाँ पे आपको जैन फेब मार्च अप्रैल मई फेस्टिवल्स आ जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं यहाँ पे पूजा लिखूं और पूजा को नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो क्या पूजा मोहन कविता इंदर ऐसे आएगा? मेरे पास तो आ रहा है पर आपके सिस्टम में नहीं आ रहा। आपके सिस्टम में ना आने के पीछे रीजन ये है कि हमने एक्सेल ऑप्शन के अंदर सेटिंग को चेंज नहीं की है। तो एडवांस में जाना होगा और यहाँ सबसे नीचे जब आएंगे तो आपको दिखेगा एडिट कस्टम लिस्ट, एडिट कस्टम लिस्ट, इस पे जाएं और यहाँ आप अपना लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए नेम का कर रखा है, सिटी का कर रखा है, ऐसे में प्रोडक्ट का भी करता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने प्रोडक्ट का कर दिया एक्सेल बीपीए एक्सेस एसक्यूएल बीआई डैश एमएस ऑफिस, ओके अब मैं किसी भी एक्सेल सीट पे जाऊंगा और यहां पे मैं जस्ट एक्सेल टाइप करूं और नीचे की तरफ जो ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे पूरा एसीसी फाइल में नहीं किसी भी फाइल में, क्योंकि हम एक्सेल के अंदर तो इसके लिए इसके लिए आपको सिर्फ पहला वर्ड डालना पड़ता है, बराबर है? पहला डाले कोई भी डाले, मैं यहाँ बीपीए से भी शुरू कर सकता हूँ, ठीक है? वो बीपीए से कंटिन्यूस होता है, उसके ऊपर वाला भी लिस्ट आएगा। हाँ, उसी आगे के साथ कंटिन्यू हो जाए। आप देखिए टैबलेट डेस्कटॉप पर करने से उसका हुआ वापस ऐसे ही शुरू हो गया। ओके, जैसे मान लीजिए ना कि आपने अगर मंडे किया तो क्या लगेगा कि दिन नहीं आएगा? मंडे से पहले संडे होता आ गया ना, मंडे संडे आ गया, संडे हमने यहाँ पे संडे से शुरू किया तो वापस मंडे आया, संडे आया, सैटरडे आया, ऐसे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ओके? अब इसमें ये बहुत हैंडी होगा कि हमारे जैसे डिपार्टमेंट में पूरा लिस्ट है, प्रोग्राम नेम्स है, तो 16-17 प्रोग्राम नेम्स है, तो ये किया तो पूरा 16-17 का ड्रैग हो सकता है हमारे। आई डोंट चले, हाँ। अब इसमें अगली जो टॉपिक हमारे पास आती है वो आती है मेनू बार। तो चटर्जी मिस्टर आर एन चटर्जी, गुड मॉर्निंग। आज आपके साथ कल्याण जी हैं पुणे से, ये आगे आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो अरिवान चटर्जी एंड कल्याण जी, हाय अनिर्बन, हम बात करने जा रहे हैं मेनू बार के बारे में। आप देख रहे हैं हमारे सामने मेनू बार है, तो क्या हम इस मेनू बार को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ डेवलपर का टैब दिख रहा है, आपके पास डेवलपर का टैब नहीं होगा, मेरे पास ड्रॉ का टैब दिख रहा है, मुझे ड्रॉ का टैब का कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसको हटाना है। ये सारी जो है कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं एक्सेल ऑप्शन के कस्टमाइज रिबन के, ठीक है सर? कस्टमाइज रिबन में आप यहाँ जो ड्रॉ है इसको अनचेक कर दीजिए, हट जाएगा, डेवलपर पे क्लिक कर दीजिए आ जाएगा। यही नहीं,
बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि मेन्यू में अवेलेबल ही नहीं है। जैसे एक्सेल ऑप्शन पे आइए, यहाँ कस्टमाइज टेबल में पॉपुलर कमांड को ड्रॉप डाउन करके कमांड नॉट इन द रिबन, जो मेनू कमांड मेनू बार है या मेनू टैब है इसको रिबन कहा जाता है एक्सेल के लैंग्वेज में। तो इतने जो कमांड आप दिख रहे हैं जो कि किसी मेनू बार में एग्जिस्ट नहीं करता, अब आप जो है उनको अपने हिसाब से मेनू बार में रख सकते हैं। ठीक है सर, अब कैसे रखेंगे? तो चलिए कोई एक अच्छा सा स्पीक एंटर करके एक कमांड है, स्पीक एंटर। अब मुझे इस पर तो आप किस मेनू बार में रखना चाहते हैं उसको एक्सप्लेन करें। उस मेनू बार के अब अंदर आपको न्यू ग्रुप बनाना पड़ेगा, यहाँ से न्यू ग्रुप करेंगे इस तरह से न्यू ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि ये पहले से बने हुए इसमें नहीं जाए। ठीक है ना, आपको क्या करना पड़ेगा उस मेन्यू के अंदर एक नया ग्रुप क्रिएट करना होगा, यहाँ न्यू ग्रुप पे। इसको रिनेम भी कर सकता है अपने हिसाब से, इसमें ऑलरेडी पहले से पेस्ट है, हाइपरलिंक कर रखा है, यहाँ आया हुआ है, इसी में मैंने ऐड कर लिया पेस्ट सेल एंटर, इसमें चला गया, क्योंकि ये मेरे द्वारा क्रिएट किया गया ग्रुप है, सिस्टम द्वारा नहीं है। तो सिस्टम द्वारा क्रिएटेड है उसमें आप कोई भी ऑप्शन को ऐड नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन को जो ऐड होगा वो हमेशा आपके द्वारा क्रिएट किया गया ग्रुप में होगा। ओके, हाँ, लेकिन ये जब हम ये एक्सेल शीट हम किसी और को हमारे कलीग को भेजते हैं तो वो अगर उनके सिस्टम पे ओपन करते हैं तो ये मेनू बार उनको भी विजिबल हो जाएगा या सिर्फ हमारे सिस्टम पे रहेगा? आप पहले समझ लीजिए, एक्सेल ऑप्शन में जो भी हम सेटिंग चेंज करते हैं वो एक पर्टिकुलर फाइल का नहीं होता, एप्लीकेशन का सेटिंग होता है, फाइल से कुछ लेना देना नहीं है, समझे? नहीं समझा। देखिए एक्सेल जो एक्सेल एप्लीकेशन है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका वर्कबुक, एक होता है एप्लीकेशन। मतलब समझिए ना कि ये फॉर्मूला बार दिख रहा है सर, फॉर्मूला बार से ऊपर जो चीज आपको दिख रहा है, इससे ऊपर जो चीज दिख रहा है दैट कॉल एप्लीकेशन, राइट? ये एप्लीकेशन है, किसी फाइल का हिस्सा नहीं, और इससे नीचे जो चीजें है वो आपकी फाइल, इससे नीचे की जो भी चीजें हैं वो आपकी फाइल है। इसका मतलब है कि आप इसमें जो भी चेंजिंग करेंगे कोई भी किसी भी सिस्टम पे जाएगा, किसी भी सिस्टम पे जाएगा उसको एक्सेस कर सकता है। ओके, लेकिन इससे ऊपर की जो चेंजिंग है, इससे ऊपर जो चेंजिंग हो रही है ऊपर वाले पार्ट में, इस पार्ट में इसके अंदर कोई चेंजिंग होती है वो आपके सिस्टम पे रहेगा, किसी और के सिस्टम पे नहीं जाएगा। ओके, वही क्वेश्चन था मेरा। ओके, तो कल्याण जी और अरिवन जी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अनिल रैन भाई, अन्य ये न्यू ग्रुप का मतलब कहां से क्रिएट किया ये समझ नहीं आया। हां, ये भी बताता हूं आपको, न्यू ग्रुप एक मैं ड्राइंग बताता हूं। न्यू ग्रुप जो है क्रिएट करने के लिए ऑप्शन कस्टमाइज रिबन, और आपको किसके किस टैब के अंदर न्यू ग्रुप क्रिएट करना है उस टैब को सिलेक्ट करें और यहाँ न्यू ग्रुप पे क्लिक करें। ठीक है सर, ठीक है। ये करने से मतलब व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग दिस वन? जैसे कि होता क्या है कि कुछ ऐसे चीजें हैं, जैसे मैंने मान लीजिए स्पीक एंड सेल का ऑप्शन रखा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक कमांड मैं ऐड किया, यहाँ पे कमांड शो हो गया, ठीक है, होम मेनू बार के न्यू ग्रुप वाले सेक्शन में आ गया ना यहाँ पे है सर। अब ये ऑप्शन तो मुझे नहीं मिलता ना सर, मुझे इस ऑप्शन की जरूरत है। मतलब कि आपके एक्सेल में जो चीजें दिख रही है ना उसके अलावा भी बहुत सारे कमांड है जो कि हिडन है। यहाँ देखिए इसमें जब जाइएगा कमांड नॉट इन द रिबन, इतने सारे कमांड है जो कि एक्सेल में हिडन है, ठीक है सर? ठीक है। अब एक कमांड जो हिडन है हमारा, अब उसको मुझे मान लीजिए कुछ कमांड चाहिए,
तो उसको मुझे मेनू बार में कहीं पे होल्ड तो करना पड़ेगा ना, ठीक है सर। ठीक है, तो उसको होल्ड करने के लिए आपको पहले चूज करना पड़ेगा टैब कि किस टैब के अंदर करना है, फिर उस टैब के अंदर नया ग्रुप क्रिएट करना होगा और उस ग्रुप पे सिलेक्ट करके फिर यहां से ऐड पे क्लिक करना होगा। मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं एक एक कमांड लेता हूँ यहाँ पे, एक यहाँ पे एक फॉर्म होगा, मान लीजिए ये रहा फॉर्म, फॉर्म दिख रहा है। अब मुझे इस फॉर्म की जरूरत है, इस फॉर्म की जरूरत है, तो कैसे ऐड करें, तो मैं डेटा मेनू बार के अंदर जाता हूँ, राइट, और यहाँ पे एक नया ग्रुप क्रिएट करता हूँ, आ गया न्यू ग्रुप। हालांकि इसको मैं रिनेम भी कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ फॉर्म, और यहाँ पे फॉर्म देने के बाद मैं कोई जो आइकन आपको अच्छा लग रहा है वो आइकन आप चूज भी कर सकते हैं, मैंने इस आइकन को चूज कर दिया एंड ओके ओके नहीं ओके नहीं, अभी ऐड भी करना बाकी है ना, और उसको मैंने यहाँ पे इसमें ऐड, तो हमने एक नया ग्रुप बनाया, इसे डेटा मेनू बार के अंदर एक नया ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के अंदर इस फॉर्म को ऐड, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे डेटा मेनू बार में, यहाँ फॉर्म दिख गया सर। अब इसकी जरूरत थी तो इसलिए यूज किया, ऐसे मान लीजिए रॉ नेम सिटी मोबाइल नंबर। अब जैसे मैं फॉर्म पे क्लिक करूंगा ना, क्या है सर, मैं यहीं से डेटा एंट्री कर सकता हूँ। पूजा आ गया, पूजा सर, मोहन, पुणे, मोबाइल नंबर, न्यू पे क्लिक किया, एंट्री हो गई सर। ये चीजें हम लोग वीवीए प्रोग्रामिंग की मदद से यूजुअल फॉर्म के जरिए करते थे, यहाँ पे बना बनाया टूल्स है। नहीं नहीं, ये फॉर्म मेरे को एक हेल्प चाहिए था, मैं थोड़ा अलग से वो मैं जो आपको वीकेंड में मैंने फोन किया था ना, मैं बात किया था, एक फॉर्म का मतलब वो क्रिएट करना पड़ेगा तो उसका थोड़ा हेल्प चाहिए था आपसे। गूगल फॉर्म की बात हुई थी, गूगल फॉर्म में बताया था आपको। हाँ ना, गूगल फॉर्म का बात हुआ था, बट गूगल फॉर्म में स्टोरेज कहाँ पे होगा, कैसे होगा, वो भी एक बार देखना पड़ेगा वहाँ पे। ऐसे हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, क्लास के बाद इसको समझा देता हूं। ठीक 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 ठीक, ये तो समझ में आ गया ना आपको? हाँ ये समझ में आ गया। तो वो रिकॉर्ड वाला ऑप्शन भी एक है वहाँ पे। क्या रिकॉर्ड? ये नहीं नहीं, ये बंद कीजिएगा, ये फॉर्म में जाइए, फॉर्म, ये फॉर्म में समझाऊंगा मैं आपको, मैं फॉर्म नहीं समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि कस्टम ग्रुप का क्या यूज है। अच्छा ठीक है, ठीक है ना, ये फॉर्म तो मैं आपको समझाऊंगा, ये रिकॉर्ड है ना, इसमें फाइल रिकॉर्ड होता है, नेक्स्ट हो गया, इसमें रिकॉर्ड सिस्टम में रीस्टोर है, जैसे कुछ डिलीट कर दिया तो उनको रीस्टोर करना होता है। इसमें हम आगे बात करेंगे, फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो रिबन के ऊपर, रिबन को कस्टमाइज करने के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने अभी आपको ये बताया कि रिबन के अंदर कोई भी ग्रुप ऐड करके कुछ जो हिडन हमारे फंक्शन है उसको डाल सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई? कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं डालने को, तो यहाँ हम नया एक नया टैब भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि जो मेनू बार आप दिख रहा है ना सर, ऐसा टैब भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने न्यू टैब क्रिएट किया और न्यू टैब में क्रिएट करने के बाद इसका नाम डाल दिया IMP इम्पोर्टेंट, राइट। अब इसमें जो है आप जो है मान में आइए और इसमें आपको जो जो चीजें डालनी है, तो न्यू ग्रुप है आप डालते जाइए, ठीक है। ओके, अब आपके पास एक नया टैब आ गया IMP का, उसमें जो मैंने ऑप्शन यूज किए हैं वो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है सर। तो आप एक नया टैब क्रिएट कर सकते, ओके।
आपको कष्ट वाले जीवन समझ में आ गया? एक्सेल ऑप्शन में कस्टमाइज जीवन के बाद अगला टॉपिक जो आता है क्विक एक्सेस टूलबार। ये भी छोटा सा इनमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप ऊपर जो दिख रहा है आपको ऑटो सेव जो दिख रही है यहाँ पे हम कुछ ऑप्शंस रखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर्स का रख रखा है। एक काम और करता हूँ मैं यहाँ पे एक नॉट कमांड नॉट लेवल में जाता हूँ और यहाँ कैलकुलेटर को रख देते हैं। कैलकुलेटर हमने एंड को अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर का ऑप्शन आ गया। क्लिक करते हैं हमारा कैलकुलेटर ओपन हो जाता है, राइट सर? तो इसका एक शॉर्टकट भी बन जाता है। हम जैसे अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो इसके नंबर्स आ जाए। तो मुझे मान लीजिए बॉर्डर अप्लाई करना है तो इसका शॉर्टकट क्या है? 5। तो मैं अपने कीबोर्ड का 5 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मुझे बता देगा कि मुझे कौन सा बॉर्डर अप्लाई करना है। मुझे ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है तो ए आ गया, ठीक है। मुझे कैलकुलेटर ओपन करना है तो मैं ऑल प्रेस करूंगा, अब कैलकुलेटर पे क्या है? 6 है। मैं 6 प्रेस करूंगा और यहाँ मेरा कैलकुलेटर यूज हो गया। तो ऐसे 8-10 कमांड जो कि आप बहुत ज्यादा यूज करते हो और वो आपको मेनू बार में डायरेक्टली नहीं मिलता है, काफी अंदर जाना पड़ता है, तो वहां पे आप उन सारे ऑप्शंस को आप यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में ऊपर में डाल दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको काम करने में सहूलियतों की एक शॉर्टकट मिल जाए, ठीक है सर? आप दोनों आदमी को समझ में आ गया? हाँ ठीक है। एक बार ये रिपीट कर दीजिए। Alt टैब प्रेस करने के बाद Alt प्रेस जैसे ही आप करेंगे, Alt प्रेस जैसे आप अपने एक्सेल पे Alt प्रेस करेंगे तो आपके जितने भी मेनू बार हैं सबके अंदर जो भी ऑप्शंस है सब पे एक शॉर्टकट असाइन हो जाएगा। जैसे मुझे कलर अप्लाई करना है, कलर किसके अंदर है? होम मेनू बार के अंदर। होम क्या नीचे क्या लिखा हुआ है? एच लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ एच प्रेस करूंगा तो आप देखिए इतने सारे जितने भी होम मेनू बार के अंदर ऑप्शन थे वो सारे के सारे एक्टिवेट हो गए सर। हाँ, उसको आपने जो पूरा टेबल सिलेक्ट किया था तो वो जरूरत है या सिंगल सेल पे भी करके वो आप ऑल टैब नहीं भी कर सकते हो? सिलेक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है। आप सिलेक्शन क्यों करते हैं कि मुझे इतने एरिया पे फीचर अप्लाई करना है तब हम सिलेक्शन करते हैं। आपको जितना एरिया पे अपनी जो फीचर है अप्लाई करनी है उतना एरिया सिलेक्ट कीजिए। सिंगल सेल पे करना है यू कैन सिलेक्ट सिंगल सेल, राइट सर? तो फाइल मेनू बार के ऑप्शन में बाकी कुछ खास नहीं है। इसमें आपको एक एडिंस दिखेगा, एडिंस के बारे में हम आपको बताएंगे आगे की क्लासेस में, लेकिन मैं बता दूं फिलहाल कि एडिंस होता क्या है। एडिंस होता है कि जो एक्सेल के एक्सटर्नल चीजें हैं वो ऐड करने की। जैसे मैंने आपने किसी अपने फ्रेंड को बोला कि भाई मेरे लिए एक्सेल में एक छोटा सा टूल्स बना दो कोई किसी भी प्रॉब्लम की सोल्यूशन, तो उन्होंने आपकी रिक्वायरमेंट को समझा और .NET पे, PHP पे, Python पे, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो भी वो यूज करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके उन्होंने टूल्स बना दिए। बट प्रॉब्लम है कि उन्होंने जो टूल्स बनाया वो तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे बनाया। एक्सेल पे वो अटैच हो जाएगा बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सेल। उसको अटैच करने के लिए हमें एडिंस में जाके यहां से सिलेक्ट करना पड़ता है। ब्राउज़र में जाइए, सिलेक्ट कीजिए और आपका एडिंस आ जाएगा। और एक बार दिखाइए कहां पे जाके? वो एक्सेल ऑप्शन के अंदर में, एडिंस के अंदर में। अब यहां पे टाइप ऑफ एडिंस है कि आपका एडिंस का टाइप क्या है, एक्सेल एडिंस है, कॉम एडिंस है, एक्शंस है, एक्सएमएल है या डिसेबल आइटम होता है तो डिसेबल करने के लिए। तो जो आपको एड्रेस देगा बता देगा कि मेरा एड्रेस किस टाइप का है, वो टाइप को आप सेलेक्ट करें और
पे चले जाएगा। कोर पे जाने के बाद ये पहले से कुछ प्री डिफाइंड एडिंग्स है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने आपको बना बनाया दिया है। हालांकि ये यूजबल नहीं है क्योंकि सिर्फ सॉल्वर हम यूज कर रहे हैं, इस पर टिक लगा हुआ है, बाकी चीजें जो है नहीं। जैसे ये देखिए ए लुकअप दिख रहा है आपको, ए लुकअप का एडिंग्स मैंने बनाया था अपना, मैंने कोडिंग में बनाया था, यहाँ शो कर रहा है। फिलहाल मैंने इसको यूज नहीं किया है, पहले यूज किया तो मैंने हटा दिया, तो क्लिक करूंगा तो ये हमारे मेनू बार में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यूरो करेंसी टूल्स को क्लिक किया एंड ओके किया, करते ही आप देखेंगे कि डेटा मेनू बार में आपके सामने ये डेटा में ही रहेगा शायद, वो डेटा पे रहेगा। नहीं, होम में एनालाइज डेटा करके आ गया था, नहीं वो तो पहले से था, ये सॉल्वर है और ये आइकन्स में होगा शायद, डेटा में ही होगा, डेटा में, डेटे में। अच्छा ये एनालाइज डेटा जो दिया है, ये एनालाइज का अलग पार्ट है। डेटा में ही आता है, जैसे सोल्वर आया हुआ है ना, सोल्वर ये कौन सा किया आपने? मैंने किया था करेंसी, यूरो करेंसी कन्वर्टर, और वॉइस नहीं आ रहा, यूरो करेंसी कन्वर्टर। हाँ, ये एक बार डेटा में क्लिक कीजिए, बस एक्सेल ऑप्शन के अंदर एडिंग्स वो यूरो करेंसी कन्वर्टर, डेटा में ही रहेगा, डेटा में ही आ, यहाँ पे कोई आइकन में रहेगा, राइट? अब ये आइकन ढूंढना पड़ेगा सर, बहुत सारी चीज होगी ना, साइज स्लेट पर ये हमेशा आ जाता है, यहाँ साइड में आता है, सोलवर आया हुआ है ऐसे यहाँ पे। ये एक बार शायद बंद करके खोलना पड़ेगा एक्सेल, तो मैं बता रहा हूँ इसके बारे में एडिंग्स का जो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा, बच कर देंगे, बाकी इसमें कोई खास चीजें नहीं है पढ़ने के लिए। तो फाइल मेनू बार यहाँ पे मेरा कंप्लीट होता है, राइट? फाइल मेनू बार में यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगली जो टॉपिक हमारी है होम मेनू बार से, लेकिन उससे पहले मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ इनकी एक प्रॉब्लम के ऊपर। मिस्टर चटर्जी की प्रॉब्लम है, संडे को उन्होंने मुझसे बात की थी, प्रॉब्लम ये है कि वो चाहते हैं कि एक डेटा कलेक्ट करना, उनको वो बहुत सारे लोगों से डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं, राइट सर? हाँ, मतलब अगर मेरे को एक फॉर्म बनाना है जहाँ पे, मतलब बहुत सिंपल एक फॉर्म जहाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, आपने मेरा डेमो क्लास का फॉर्म भरा होगा, तो यहाँ मैं बताता हूँ, मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएंगे तो आपने मेरे लिए मेरा जो यहाँ डेमो क्लास का फॉर्म है आपने भरा होगा, ठीक है? इस फॉर्म का डेटा देखिए यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है सर? ठीक है, तो कैसे होता है एक बार इसको समझा देता हूँ। उसके लिए आपको अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करना होगा और सर्च करना होगा फॉर्म, गूगल फॉर्म, ठीक है? ठीक है, गूगल फॉर्म यहाँ पे आपका आ गया, google.forms, क्लिक कीजिए। और यहाँ पे एक चीज है कि आप पर्सनल है या बिजनेस, आपका बिजनेस है, बिजनेस करेंगे तो फिर आपको परचेज करना पड़ेगा, नहीं पर्सनल करेंगे तो आपको परचेज नहीं करना, तो मैंने पर्सनल पे क्लिक किया और यहाँ आ गया, मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर्म यहाँ दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स भी आप ले सकते हैं, पर फिलहाल मैं जा रहा हूँ ब्लैंक, ठीक है? ब्लैंक पे क्लिक किया। अच्छा, मैं रिकॉर्ड आपका रिकॉर्ड हो रहा है ना, आपने नहीं किया, मैंने करवा। अब इसमें आपको अपना फील्ड सिलेक्ट करना है, यहाँ दिख रहा है प्लस क्वेश्चन, तो ये आपका जो है बाय डिफॉल्ट मल्टी चॉइस क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ से प्लस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है?
प्लस पे क्लिक किया, क्वेश्चन में मैं देता हूँ, मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पे ईमेल आई डी, ईमेल आई डी। अब यहाँ पे मल्टीपल च्वाइस है, ड्रॉप डाउन है, चेक बॉक्सेस है, पैराग्राफ है, शॉर्ट आंसर है, क्या तो शॉर्ट आंसर है क्लियर, हाँ तो चेक बॉक्स। अब दूसरा था रिक्वायर्ड है या फिर बिना डाले भी चलेगा, मैंने बोला नहीं नहीं रिक्वायर्ड है, सुधा ईमेल आईडी तो डालना ही है। वापस मैंने प्लस पे क्लिक किया, अब यहाँ पे डाल देता हूँ मैं बॉय बॉय। अब ए बी जो है शॉर्ट आंसर है, ऑटोमेटिक ले लेता है यहाँ पे, ऑटोमेटिक ले लेता है मोबाइल नंबर, शॉर्ट आंसर कर देता है, तो यू कैन चेंज। उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ नेम, नेम भी शॉर्ट आंसर में ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ देता हूँ डेट, अगर डालना है तो हाँ वो यहाँ पे जो भी आप फील्ड डालते जाइए ना, यहाँ पे डेट डाला, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट आ गया, डेट ठीक है, ऑटोमेटिक डेट आ गया। अब यहाँ पे फील्ड डालेंगे ना, ये ऑटोमेटिक चूज कर लेता है, इसका एआई जो चूज कर लेता है, ठीक है, यहाँ पे डेट चूज कर दिया इसका, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे रिमार्क्स करता हूँ, रिमार्क्स मेरे को यहाँ पे अगर ऐसे करना है, पैराग्राफ ऑटोमेटिक आ गया, सुजीत जी, सुजीत जी ये पहल मेरे को अगर ये मोबाइल, ये जो मोबाइल वाला ऑप्शन आपने किया है, इसको अगर नीचे करना है और नेम को ऊपर करना है, तो आप उसी हिसाब से बनाइएगा ना सर, ऐसे उठा के भी रख सकते हैं इस तरह से। अच्छा उठा के कर सकते हो, आप पहले एक काम कीजिएगा, एक पेपर पेन पेपर पे इसका एक सैंपल बना लीजिएगा, मैंने उसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मेरा ड्रॉ हो गया राइट, ड्रॉ होने के बाद आपको यहाँ पे करना है सेट, क्या करना है यार, टाइटल है इसके जगह पे नाम दे दीजिए अपना, मैं नाम देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे सैंपल, ठीक है। और इसको आप सेंड पे, यहाँ पे सेंड पे जब सेंड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको तो चीजें है कि आप किसी को डायरेक्ट ईमेल करना चाहते हैं या आप लिंक से, आप आउटलुक से नहीं, आपको आउटलुक से भेजना है, जीमेल से नहीं भेजना, तो लिंक पे क्लिक कीजिए और इसका लिंक कॉपी कर राइट। अब जैसे कोई यहाँ लिंक कॉपी करेगा यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे ये फॉर्म इस तरह से आ गया जी। और इसमें आपने जैसे यहाँ पे सैंपल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं डेटा एंट्री फॉर्म, यहाँ पे अपना स्लोगन दे सकते हैं, ये चीज आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि सर पूरा मैं तो बता नहीं सकता ना आपको, सर बस बता दिया कैसे होता है, ताकि आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब बात आती है इसकी डेटा कहाँ हो, अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ईमेल आईडी बाय डिफॉल्ट से मेरा ईमेल आईडी उठा लिया है, समझ गया, बट यहाँ स्विच अकाउंट करके ऐड हो सकता है, ये तो भर जो भरेगा उसके हिसाब से है। ईमेल आईडी डाला, नेम डाला, मोबाइल नंबर डाला, मैंने यहाँ से अपना डेट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं रिमार्क्स डाल दिया, दिस इज सैंपल। इसमें और एक चीज पकड़ ली, देख मेरे को पूछना था, इसमें इसमें और ये अगर पकड़ लीजिए यहाँ पे मैं कुछ वो जो बोलता है ना उसको ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन सारा ऐड कर सकते हैं। आप ऐसे आपने आपने देखा नहीं, सब ध्यान से नहीं देख रहे हैं क्या सर, आपसे देखा नहीं, मैंने आपको क्या सुनता है, मैं दोबारा बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या सुनता है कि जब आप उसको यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे प्लस का साइन था ना, लाइक यहाँ एक प्लस का साइन था, जब प्लस ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है चॉइसेस, कि क्या है ये आपका, ये आपका पैराग्राफ है, शॉर्ट आंसर है, मल्टीपल चॉइस है, चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है, फाइल अपलोड है, अच्छा तो वो नहीं देखा, टाइम इज क्लीन है, मल्टीपल चॉइस ग्रीड है, चेक बॉक्स ग्रीड है, डेट है, सिलेक्ट जो आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग लिखे, जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया राइट, तो नेम लिखते ही गूगल ने खुद ब खुद नेम को समझ के बताया कि भाई शॉर्ट आंसर है, मतलब एक छोटा सा चेक बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है। जैसे मैंने यहाँ पे रिमार्क्स दिया, रिमार्क्स देख के समझ गए ऑटोमेटिक, इसने देख लिया कि एक पैराग्राफ है। यहाँ पे जैसे आपने सिटी लिखा, सिटी तो सिटी लिखते ही शॉर्ट आंसर हो गया, लेकिन मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए, यू कैन सिलेक्ट द ड्रॉप डाउन। अब यहाँ पे अपने ऑप्शंस ऐड करते चले जाए, देखिए
अब क्या है, आपको पूरा का पूरा फॉर्म की क्लासेस तो नहीं दे सकता ना सर, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ गूगल सीट, बट आपने कोर्स इनरोल किसका किया है, आपने कोर्स इनरोल किया है एडवांस एक्सेल का, तो लेकिन आपने रिक्वेस्ट की, इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया, अब इसके आगे आप खुद रिसर्च कर सकते हैं ना सर। हाँ ठीक है, और एक्सेल में भी आपने बोला था कि ये डेमो, मतलब वो डेमो है, मतलब एक मिनट में आगे बताता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते ठीक है। अभी आपका इसमें एक अगला क्वेश्चन आपने नहीं समझ पाए कि इसका डेटा कहाँ जाएगा, राइट तो जब इसको सबमिट करेगा तो डेटा जाएगा आपको गूगल सीट पे, एक तो आपके सामने मेल आएगा, जैसे कोई फॉर्म फिल करेगा आपको यहाँ मेल आएगा, समझे ठीक है। उसके अलावा आपको ड्राइव खोलना है, गूगल ड्राइव, क्या खोलना है, गूगल ड्राइव। आप गूगल ड्राइव में सैंपल नाम की सीट आप देखेंगे, क्योंकि मैंने फॉर्म का नाम क्या डाला था, सैंपल डाला था, सर्च करके नहीं कर सकते। डेटा सैंपल हो गया था, सैंपल नाम का फॉर्म आ गया, इसे क्रिएट नहीं किया है, क्रिएट कर देगा कुछ मिनट, क्रिएट कर देता है। यहाँ पे सैंपल नाम का दिख जाएगा, लगता है टाइम लगता है, क्रिएट कर देता है। इसमें आपको सैंपल नाम का सीट आ जाएगा, उसे सीट पे डेटा जाएगा, इसको एक बार लास्ट मॉडिफाइड को क्लिक करके उस, तो अभी पहले उस वही किया है ना, लास्ट मॉडिफाइड कर दीजिए, अब तो यहाँ पे आना चाहिए, आ जाएगा आ जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं, अब यहाँ पे सैंपल सर्च करें, लास्ट सैंपल आपको फॉर्म है, फॉर्म पे जाए, रिस्पांस दिख रहा है सर्च के, ये इसलिए नहीं आ रहा था कि आपको यहाँ पे रिस्पांस दिख रहा है, अब यहाँ पे पूरा यहाँ पे स्प्रेडशीट पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्रिएट स्प्रेडशीट दिख रहा है पूरा, मैंने इस पर क्लिक भी किया, ध्यान रखिएगा आपको आपको इसमें ड्राइव में जाना है, अपना फॉर्म वन टाइम ओपन करना है ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चंस है जहाँ पे अपना चेंजिंग कर सकते हैं, उसके जगह पे यहाँ पे आता है रिस्पांस, रिस्पांस में एक लास्ट रिस्पांस जिसने दिया है, लास्ट फॉर्म जो फिल किया हुआ आपको दिखेगा, उसके अलावा इस स्प्रेडशीट के साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे न्यू करना है या फिर सिलेक्टेड करना है, तो मैं न्यू करना है, क्रिएट करना, अब आपका स्पेसशीट नाम सैंपल नाम का स्पेसशीट क्रिएट हो गया, राइट सर। अब जैसे कि कोई फॉर्म फिल करता है, मान लीजिए मैं अनदर फॉर्म फिल करता हूं, एक अनदर फॉर्म फिल किया मैंने यहां पर और सबमिट पे क्लिक, अब जैसे कि सबमिट पे क्लिक करते हैं आप देखिए यहां पर दूसरा आ गया, आ गया सर, और ये डाउनलोड भी कर सकते हैं ना हम, हाँ जी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका फाइल पे जाइए, डाउनलोड एक्सेप्ट, वेरी गुड ठीक है सर। और ये जो फॉर्म का लिंक है इसको आप जितने लोगों को मेल करना है मेल कर दीजिए, ये लिंक ठीक है, ये एक बार कल एक बार प्रैक्टिस करते हैं, आज करके बताएंगे, प्रैक्टिस आप ही करना पड़ेगा सर, अब इसमें ज्यादा नहीं आपको है, अब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपको हेल्प रिसोर्स है, वहां से आप देख के इसका यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है। तो आज की क्लास में हमने फाइल मेनू बार को फ्रीज कर दिया,
अब अगली जो टॉपिक हमारी होगी वो आपका होम मेनुवार्स, राइट। आज मैं बोनस के तौर पे मैंने आपको गूगल सीट के बारे में बता दिया। अच्छा, इसमें शायद मेरे साथ जो सेशन हुआ था वो एक बार फाइल पे क्लिक कीजिए। वही सेशन वो कंटिन्यू है सर, इसमें वही है। फाइल मेनूबार में आपको सिस्टम कुछ पढ़ने लायक है नहीं, छोटे छोटे चीजें हैं, तो उस पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अच्छे जियो पे जाए ना सर, समझ रहे ना सर। इसके माने सेटिंग में ही मैं रहा हूँ सेटिंग में। अब सेटिंग में बहुत सारे ऑप्शन है, उसको बहुत कम जरूरत पड़ता है अच्छे, जो जरूरत पड़ता है जो मैं आपको बता दू। उसके अलावा इन जैसे चीज कम चीजें हैं, तो इसकी जो हम टाइम किल करेंगे उससे अच्छा है कि हम ज्यादा टाइम फॉर्मूले तो एडवांस फॉर्मूले फॉर्मूलाज नेस्टिंग ऐसे टाइम पे लगाए ना सर, क्या सर? नहीं नहीं एकदम एकदम, तो जैसे आपको ठीक लगे। तो ये चीजें छोटी मोटी चीजें हैं, बस मैंने ओवरव्यू दे दिया ताकि आपको पता लग जाए कि ये चीजें भी होती है, और इसमें जो चीजें हैं आप खुद से भी सीख सकते हो, कोई रॉकेट साइंस इसकी नहीं, राइट। तो कल हम होम मेनू बार स्टार्ट करेंगे, और होम मेनू बार में हम आपको कल क्लिप बोर्ड मतलब कि पेस्ट स्पेशल, कॉपी पेस्ट और पेस्ट स्पेशल के बारे में समझाएंगे। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ी देर में भेज दूंगा।